हेलो एंड वेलकम, स्वागत का फोर एक्स फोर अनबॉक्स। मैं सो फ्रेंड ने रियल मी लेकर है अपना सी सीरीज का और एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है रियल मी C30। तो आप 7 से 8 हज़ार की रेंज में स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियोज चैनल पर देखने मिलते हैं। तो पहले शुरू करते हैं फ़ोन के बैक पैनल से, जिसमें आपको देखने मिलता है बैक में आपको सिंपल डिज़ाइन बैक देखने मिलता है और सिंगल कैमरा मॉड्यूल देखने मिलता है। अगर बिल्ड मटेरियल की बात करें तो आपको प्लास्टिक बॉडी देखने मिलती है बैक में। और पोल्स और बटन की बात करें तो राइट में आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने मिलता है। लेफ्ट में सिम ट्रे जिसमें आपको डेडिकेट सिम का सपोर्ट देखने मिलता है। बॉटम में 3.5 mm जैक, माइक, माइक्रो USB पिन और स्पीकर देखने मिलता है। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको 6.6 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलता है। और टॉप में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने मिलता है, इसके साथ में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से ओवरऑल कहूँगा कि डिस्प्ले सही है। तो नेक्स्ट बढ़ते परफॉर्मेंस की तरफ, तो रियलमी C30 में यूज़ किया गया यूनिसॉक का T612 एसोसिएट का एक 4G प्रोसेसर, जो पहले रियलमी C31 के अंदर यूज़ किया था। और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट किया गया है, तो बैटरी एफिशिएंसी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ बॉक्स देखने मिलता है और इसमें रियलमी UI 2.0 देखने मिलता है जो कस्टम UI है। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो 2 और 3 GB रैम देखने मिलती है और 32 GB वेरियंट देखने मिलता है स्टोरेज का, तो एक ही वेरियंट है स्टोरेज के अंदर। और 2 GB और 32 GB वेरियंट देखने मिलता है 7,500 में देखने मिलता है फ्लिपकार्ट पर। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बात करते हो प्राइस के हिसाब से सही है, एवरेज का होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कैमरे की, तो बैक में आपको सिंगल कैमरा मॉड्यूल देखने मिलता है जिसके अंदर आपको 8 MP का एक मेन कैमरा देखने मिलता है। और वहीं पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 MP सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। कैमरे की बात करूँ तो कैमरे के मामले में फ़ोन में अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि एटलीस्ट 13 MP का तो कैमरा देना ही चाहिए था। फाइनली बात करते हैं इसकी बैटरी की, जिसके अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने मिलता है और साथ में एक नॉर्मल एडाप्टर देखने मिलता है। ओवरऑल फ़ोन की बात करो तो नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, बट आपकी रेंज 9000 तक की है तो आप मोटो E32S ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो और कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।